हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपके हेयर काफी ज्यादा लॉन्ग है तो ऐसे में आप अपना फ्लावर स्टेप्स कट कैसे करें। शॉर्ट हेयर पे तो बहुत इजिली उसको ग्रिप करते हुए बन जाता है, लेकिन जब ऐसे लॉन्ग हेयर होते हैं ना तो इनकी ग्रिपिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि हेयर को ऊपर ले जाते जो है काफी हेयर छूट जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस करें, किस तरीके से कट करें, आपको मैं बहुत इजी वे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करें, कोई भी रबर बैंड ले लें, हेयर को अच्छे से कोम करके गीला कर लें। बट मेरे हेयर हल्का हल्का सा अभी गीले ही हैं, तो मैं ड्राई हेयर पे ही आपको कट दिखाने वाली हूँ। ओके, काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम लॉन्ग हेयर पे हमसे नहीं करते बन रहा, तो कोई इजी सा प्रोसेस बताइए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से कोम करना है। ओके, इस तरीके से ऊपर की तरफ लाना है। एकदम ज्यादा आपको टॉप एरिया पे इसकी हाई पोनी कर लेनी है। ओके, इस तरीके से हाई पोनी करेंगे। देखिए, इस तरीके से हाई पोनी आपको कर लेनी है। उसके बाद ना पूरे हेयर को अच्छे से पकड़ेंगे, ठीक है? अगर आपको लगता है तो आप इसको इस तरीके से कोम से भी सुलझाते हुए क्रीप करोगे, इस तरीके से कोम कर लेंगे। तो अब जो है हेयर आपका अच्छे से सिक्योर रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे हेयर को इस तरीके से ऊपर के साइड में ऐसे क्रीप करना है, ये देखो, ठीक है? उसके बाद हैंड को हाइट आप देख लेंगे, फिर उसके बाद हाथ को ऐसा नीचे लाएंगे, इसको इस तरीके से फैलाएंगे। इस तरीके से देखिए हेयर को मुट्ठी में ऐसा फैला लेना है और सीजर की हेल्प से कट करना है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पूरे बालों को गोल गोल बराबर बराबर सा ही कट करना रहता है। इस तरीके से कट करेंगे, उसके बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। इसमें काफी अच्छे से स्टेप्स ऐड हो जाता है, पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हेयर को हाफ हाफ यूं डिवाइड करेंगे, सिंपल सी कटिंग को अगर आप बहुत ही सुंदर दिखाना चाहते हो एकदम हैवी लुक में, तो देखिए इस तरीके से कॉम करना है पीछे से और बिल्कुल इसको इस तरीके से, ठीक है, ऊपर के साइड में ले जाना है। और ऊपर के साइड में ले जाने के बाद इसको कट कर देना है। जिग सैग कर देंगे, देखिए
उसी तरीके से इधर का भी करना है। जब इसको हाइट पे रखते हुए थोड़ा इस तरीके से ग्रिप करोगे यूं, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा स्टेप्स ऐड होता है। ठीक है, नीचे डाउन नहीं करना है, इस तरीके से ऊपर के साइड में और हैंड को नीचे लाएं। नीचे लाने के बाद इस तरीके से कट कर दें। देखिए मेरा तो थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है, लेकिन अगर आपके बाल विदाउट कटिंग है, कभी कोई कटिंग थी ही नहीं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा कट होगा। आप और छोटा बड़ा तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। एक बार रीचेक कर लेंगे फेस वाले हेयर को, और इस तरीके से हैंड को रखोगे ना तो ये आपको दिखेगा, और ऐसा कट करोगे। तो ये देखो प्रॉपर बहुत अच्छे से कट हुआ है। उसके बाद ना दोनों तरफ के हेयर को ऐसा मिला लेंगे। देखो इसमें स्टेप्स बहुत अच्छे से ऐड हो चुका है। अब यू कट करने के लिए क्या करें, इस तरीके से हेयर को ग्रिप करें ऐसा, और नीचे में हेयर को लाके इस तरीके से, देखिए ये जो पॉइंट वाला हेयर है इसको कट करेंगे, ये वाला, तो ये पीछे में जाके अलग सा नहीं दिखेगा, एक प्रॉपर यू शेप का लुक क्रिएट करेगा। आपको ये वाला जरूर कट कर देना है। बिल्कुल नीचे ऐसे इस तरीके से कॉम करते हुए हेयर को लाना है ऐसा, और ये जो नीचे का हेयर दिख रहा है ना, ये इसको कट करना है बराबर। तिरछा नहीं कट करेंगे, बराबर सा कट कर दोगे, ऑटोमेटिक उसमें यू शेप क्रिएट हो जाएगा। और आप चाहें तो इस तरीके से मिला के भी चेक कर सकते हैं बालों को। ये चीज मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मेरा पूरा बराबर कट हुआ है, तो ऐसा इक्वल मिलाते हुए कट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सामने में हेयर कट करने के लिए बीचों बीच से हेयर को लें। और इसको ऐसा ट्विस्ट कर दें, कट कर देना। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा कर ले, मैं मीडियम रखूंगी क्योंकि मुझे काम करना रहता है ना, कि शॉर्ट हेयर बहुत आंखों पे आते रहता है तो मुझे काम करते हुए नहीं बनता है। और नोचिंग कर दें। ये इस तरीके से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आप लोग अपने लंबे बालों पे बहुत अच्छे से कट कर सकते हो बिना ज्यादा लेंथ शॉर्ट किए। चलिए साथ के साथ में ब्लो ड्राई भी आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को फ्लावर स्टेप्स कट बताई हूँ, तो फ्लावर कटिंग के जैसे ही आप सेटिंग कैसे कर सकते हो वो चीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कटिंग का लुक आप देख ही रहे पीछे में, ठीक है। सेटिंग के लिए आपको सेम उसी तरीके से हेयर को ग्रिप करना होगा जैसे कटिंग के टाइम पे।
तरीके से। आपको ये चीज मिरर के सामने बैठ के करनी होगी, तब आप कर पाएंगे। इस तरीके से ड्रायर चलाएंगे।